और लिप 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 थोड़ा और थोड़ा लिप ग्रीन आ रहा है, ग्रीन लाइट मारा हुआ क्या? हाँ लाइट बंद करवाऊंगा मैं, ग्रीन वाला, ग्रीन वाला सब बंद हो जाएगा, सब हो जाएगा, चलेगा नहीं अपनी लाइट से मज़ा नहीं आ रहा ग्रीन में, ग्रीन बंद करो सब बंद करो, लग रहा है मैं आपका हो गया, अरे बिल्कुल लाइट बंद करवा रहा हूँ, अब मिला ना टोन, बस मैं मत देखिए एक घंटा एक कट मार दिया, मेरा कैमरा ज़्यादा आगे है थोड़ा पीछे रखना, अभी नहीं निकल हो गया तो लेना है, थैंक यू मैम, आइए वो बाजू आइए, मैम यहाँ पे देखना ओके मैम थैंक यू, कौन लाइट मार रहा है भाई, पता नहीं लाइट कम अरे थैंक यू सो मच, क्या कुछ बताओ गाना आ चुका है, कितने ज्यादा एक्साइटेड हो? अरे अभी इतना मैं बता नहीं सकता, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक्चुअली, थोड़ा अच्छा ठीक है, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ, काफ़ी वेट करना पड़ा हम लोग को, बट ठीक है लास्ट में आया और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और बहुत ही खुश हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सब चीज़ों को लेकर। क्या लगता है सर, सपनों की नगरी में काम मिलना बहुत मुश्किल है, कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट सामने आते हैं, कैसा लगता है? इतना मुश्किल है अभी अपन बता नहीं सकते हैं, हर जगह मतलब कितनी मेहनत है अभी हम ही लोग जानते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, कभी इधर भटकना पड़ता है, कभी उधर भटकना पड़ता है, हो गया दो चार अच्छे लिंक्स मिल जाते हैं, कभी कभी तो काम मिल जाता है, बट मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है। शूटिंग एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, लवीना से तो बहुत हंसी मजाक हुआ, आदिल सर बहुत अच्छे डायरेक्टर थे जो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, और हमारे प्रोड्यूसर सर जो विक्रम सर हैं उनकी तो बात ही अलग है, उन्होंने तो हमेशा मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता उनके लिए, बस वो खुद ही समझ जाएंगे कि मैं मतलब उनको कितना पसंद करता हूँ। आगे भी इस गाने के कुछ नए पार्ट्स देखने मिलेंगे या कोई नया? अभी तो ये सिर्फ प्रोड्यूसर सर ही बता सकते हैं और डायरेक्टर सर भी बता सकते हैं, अभी हम लोग को कुछ आइडिया नहीं इसके बारे में। भाई आपके फ्रेंड्स फैमिली जो देख रहे हैं उन्हें क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? वो लोग बहुत ज़्यादा प्यार दें हमें और जितना हो सके शेयर करें, कमेंट करें और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मनोज भाई आदर से बात करो, नए इन्फ्लुएंसर उसको बुला लो, क्या कहना चाहोगे? पहले आप बोलो फिर मैं वही चीज़। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप प्यार करो बट घर बार मत छोड़ना, बट बहुत मज़ा आया ये शूट करके, इट्स अ डांस नंबर, आई लव डांसिंग, जितने आप अगर कोई मुझे जानता है पर्सनली तो उनको पता होगा, सैड सॉन्ग को भी मैं डांस नंबर बना देती हूँ, सो दिस वॉज अ डेजिग्नेटेड डांस नंबर एंड आई रियली एंजॉय,
एंड हमने एक्चुअली काफ़ी मज़ा किया शूट करते हुए। हाँ मैंने तो मज़ा नहीं किया एक्चुअली, मेरे को डांस बिल्कुल भी नहीं आता था और मैंने तो इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था आदिल सर को, लवीना को, मेरे कारण तो सब परेशान होने लगे थे, कम से कम रीटेक पे रीटेक रीटेक पे रीटेक, बट ठीक है लेकिन लास्ट में बहुत मज़ा आया। अगर बात करूँ गाने की तो सलमान अली जी की वॉइस इस गाने से जुड़ी है, उनकी आवाज़ के साथ हर कोई काम करना चाहता है, सुनना चाहता है, आप उसका हिस्सा बने, क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? आई थिंक जब मैं किसी को कहती हूँ कि मैंने सलमान अली का डांस नंबर किया है, एवरी वन लाइक वॉट, ये तो सुनना पड़ेगा। एंड आई थिंक उनकी जो आवाज़ है जो इतनी हाई पिच है, जो इतने हाई पिच में गाते हैं, आई होप हमारा सॉन्ग भी उतने हाई पिच और हाई फ्रीक्वेंसी में हिट हो जाए। अभी सलमान अली सर का शो भी आ रहा है, लोग काफ़ी नए लोग को मौका मिलेगा, आप लोगों को पहला मौका मिला, सलमान अली हिमसेल्फ व्हेन ही वाज ऑन द शूट वी हैड अ लॉट ऑफ फन शूटिंग विद हिम, वेरी केयरफ्री, वेरी कूल टू बी गाय, एंड अच्छा लगता है कि इतने अच्छे सिंगर्स के साथ जब हम जुड़ते हैं बहुत अच्छा लगता है। व्हाट अबाउट यू? मेरा भी सेम ही है, अभी मेरे लिए तो इतने अच्छे हैं वो, मेरे एज ए फ्रेंड हैं, मैं उनको तो 4-5 साल से जानता आ रहा हूँ और मतलब मेरा उनका एक अलग ही रिलेशन है, लेकिन मैं उनका पहले से ही फ़ैन था और उनकी आवाज़ मेरे को तो आज तक मतलब उनके गाने अभी भी मैं सुनता ही हूँ और मुझे मतलब बहुत बड़ी बात है कि मुझे मौका मिला उनके वॉइस पे काम करने के लिए और वो भी डांस के लिए। अभी तो मैं उसके लिए बोलना ही नहीं चाहता और सबसे बड़ी बात ये मेरे लिए कि मेरे को विक्रम सर ने चांस दिया और उनके लिए सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम सर के लिए मेरी तरफ से। स्पोर्ट्स पसंद है, क्रिकेट एज यू मे नो आई परफॉर्म्ड एट द सेमी फाइनल्स ऑफ T10 जो कि ग्लोबली ब्रॉडकास्ट हुआ था टीवी पे। क्रिकेट मैं देखती हूँ थोड़ा थोड़ा, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट इंडियंस हेट करेंगे थोड़ा, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे फुटबॉल में है। कहीं पर भी कोई भी मैच होता है मैं पहुँच जाती हूँ, लेकिन क्रिकेट ऑफ कोर्स इट्स अ होम ग्रोन स्पोर्ट। एंड अगर आप पूछ रहे हो कि मैं कौन सा स्पोर्ट खेलती हूँ, आई प्ले बैडमिंटन, बास्केटबॉल एंड आई एम अ गुड रनर, सो या। एनी लास्ट मैसेज टू योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, फैंस? लाइक आई सेड कि प्यार करो, पर कुड़ियों प्यार करो लेकिन ऐसे बंदे से करो जिसके लिए आपको घर बार छोड़ना ना पड़े। लेकिन अगर हम बात करें कैसा रहा एक्सपीरियंस सर के साथ, क्या रोमांटिक एंगल थोड़ा दिखाई दिया, क्या कहना चाहते? सर अगर आपने, आप लोगों ने वीडियो देखा है? हाँ देखा है, देख लिया? क्लब का ही सीन है। हाँ क्लब का ही सीन है। सो आपको ये भी पता चला होगा कि स्टार्टिंग में हमारा एक टिफ हो जाता है गाने में, लड़के होते हैं लड़केबाजी करते हैं, ठीक है। आई थिंक एवरी देखो सबके चेहरों पे स्माइल दिख रही है, सो सिवाय आयुष के और कोई स्माइल नहीं कर रहा और सब कर रहे हैं, आई मीन सो हाँ करते हैं, बट आई थिंक इन द एंड ऑफ द सॉन्ग इन्होंने मना ही लिया मुझे एंड दैट वाज द होल फन। बट हम लोगों ने काफ़ी अपार्ट फ्रॉम शूटिंग ऐसे लग नहीं रहा था कि हम शूट कर रहे हैं, बिकॉज बेलिनो क्लब इज़ सच अ नाइस कंफर्टेबल कैजुअल प्लेस टू बी इन। सुबह के 5 बजे मुझे जो बुलाया गया था, 5 बजे बुलाया गया था एंड लोग रात को क्लबिंग करते हैं, हम सुबह दिन भर करके आए, ऐसे आई थिंक द होल फीलिंग ऑफ द शूट वॉज कि हम पार्टी ही कर रहे हैं, बस स्टोरी चल रही है साइड बाई साइड, बट इन्जॉय काफ़ी किया मैंने तो किया। मनाना तो काम ही था, बहुत ज़्यादा ट्राई किया मनाने के लिए लेकिन ठीक है लास्ट में हो ही गया काम, पर कहीं ना कहीं मेरी नज़रें चारों तरफ लगी हुई थी कि कुछ और भी मौका मिले, बट लास्ट में फंस गया और मनाना ही पड़ा। अभी भाई जिस तरीके से अपने काम का पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रांग लग रहा है, अभी इतना ज़्यादा अभी क्या बोलूँ, सबके लाइफ में स्ट्रगल होता है, मेरे लाइफ में भी था और है, और अभी इतनी बड़ी तरक्की नहीं मिली है कि मतलब इतना कुछ बोल सकूँ मैं, ठीक है अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग और करते रहेंगे और देखते हैं कि अभी कुछ और भी अच्छा आने के लिए रहे। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग बिग बॉस के प्रमोशन हियर,
मैं ऑनेस्टली ये मेरा इस वीक का तीसरा रिलीज है, इतनी बिजी हूँ, मैंने कुछ फॉलो अप नहीं किया है, बट अंकित इफ यू हैव एनी इनसाइट मेरे तरफ से भी नो कमेंट्स, मैं भी नो कमेंट्स। टू टाइम्स डेटिंग चालू है मुनावर फारूकी की। मैंने लास्ट इंटरव्यू में आपसे कहा था ना, प्यार करो और भूल जाओ, तो बस भूल जाओ। अगर कर रहे, एक से प्यार कर रहे, दो से प्यार कर रहे, ठीक है, अभी प्यार है, कम ऑन। आप सपोर्ट कर रहे मुनावर? मुझे नो, आई हैव नो आइडिया ऑफ दिस सीजन्स थिंग, बिकॉज फॉर मी अक्टूबर नवंबर दिसंबर फ्राइडे सैटरडे संडे जैसा गया, आई बीन ट्रैवलिंग, काफ़ी कुछ हो रहा है मेरे लाइफ में, तो आई अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट बीन एबल टू फॉलो थिंग्स, बट किसी का साइड नहीं ले रही, बट डिप्लोमेटिकली मैंने खुद का ही पॉइंट डाल दिया। थैंक यू। कहना चाहिए सर, मतलब कुछ नहीं कहना चाहिए, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही पूरे एकदम, मेरे पास खड़े हैं ना इसीलिए। क्या बात है, क्या बात, वाह, क्या कमेंट किया यार। थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों को गाना कैसे लगा? आपने नहीं पता? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। व्हिच वाज योर फेवरेट शॉट या लुक या एक सीन करिए? आधे लोग देखे नहीं, ये बोल दिया कैमरा में, बोलो आधे लोग सीन करिए। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, बहुत पसंद आ रहा है। अरे थैंक यू सो मच। और अंकित का बहुत अच्छा सॉन्ग आया है जिसका नाम है घर बार में, और जो हमारी मैडम है उन्होंने इसमें सिंगिंग की है, और अंकित ने किया है इसमें, बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस अभी वही है, यही उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि इनका जो ये सॉन्ग है बहुत ही सुपर डुपर हिट हो। अच्छा, नाम मैं शिवा शेख हूँ, और मैं मेरा खुद का अपना स्टूडियो है पोस्ट प्रोडक्शन का में, और उसके बाद मैं खुद एक एक्ट्रेस एंड मॉडल हूँ, और मैं एक ऑर्गेनाइज़र हूँ, जो मैं यूथ आइकन इंडियन अवार्ड अभी मैंने रिसेंटली किया था, जो इश्कता ठाकरे के मुक्ति कल्चर हब में हुआ था और बहुत सुपर डुपर हिट गया था, और अभी सेकंड अवार्ड शो मैं करने जा रही हूँ 26 जनवरी को। अभी डेट फाइनल नहीं है, लेकिन 26 से 25 रहेगा हमारा डेट, टेंटेटिव रहे। ये अपना दीनानाथ पे करेंगे हम लोग बीले पार्ले में, आप लोग आइएगा उसमें, और क्या। और उसके बाद मैं कल एक शूट करने जा रही हूँ अपने मनीषा में, जिसमें अंकित रहेंगे हमारे साथ, मैं भी एक सॉन्ग करने जा रही हूँ जिसमें अंकित उसमें एक कैरेक्टर निभाएंगे बहुत अच्छा, उसमें मैं लीड हूँ, अंकित हमारे साथ है कैरेक्टर। बस आप लोग हमें दुआएं दीजिए कि हमारा सॉन्ग बहुत सुपर डुपर हिट हो, अच्छे से हो जाए, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें। यस यस, और अंकित को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, मैं ये घरवास दिन में। और दूसरा मैं बता दूं कि अंकित का मैंने सॉन्ग का प्रोमो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लग रहा है कि इस तरह का भी ट्रेंड चल रहा है जिस ट्रेंड में उन्होंने काम किए हैं, और इसी तरह का एक हम लोग भी शूट करने जा रहे हैं जिसमें जो है दूरियाँ उस एल्बम का नाम है, जिसमें अंकित भी हैं, शिवाजी भी हैं, उस एल्बम को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्रोड्यूस भी हम दोनों ही कर रहे हैं उसको, और कल ही उसका शूट है। तो अंकित जी को मैं दोबारा गुड लक देना चाहूँगा कि आज उनका एक गाने का लॉन्चिंग है और दूसरा एक शूट करने के लिए जा रहा है। बहुत अच्छी अच्छी बात है, बहुत अच्छी अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और उसका भी प्रमोशन शायद हमारे इधर ही होगा, और मैं थैंक्स बोलूँगा मीडिया टीम को, क्योंकि मीडिया टीम के बगैर सर सारी चीज़ हमारा अधूरा है। यही लोग तो प्रमोशन करके यही चलाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मीडिया टीम। एक फ्रेम में इतना ज़्यादा टैलेंट, एक्टर, कोरियोग्राफर, डायरेक्टर, सब अलग अलग कोरियोग्राफर रह गए, इतना ज्यादा टैलेंट भी, इतना ज्यादा ग्लैमर, ग्लैमर ही स्टोल द वर्ड्स फ्रॉम माय माउथ। अगर मैं सब में टैलेंट सामने देखना, सब कुछ क्या कुछ कहना चाहूंगा आप मिलकर, क्या बताओगे, क्या बधाई है लोगों को? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किसके लिए घर से बाहर हो गए? इनके लिए। अच्छा, तुम्हारे लिए? हाँ। भाई इन्होंने ऐसा क्या जादू चलाया कि ये घर से ही बाहर हो गए? अभी से पूछना पड़ेगा, अभी अरे तो मुझे सबके सामने पब्लिकली बोलूं, गो एंड गो बताओ, सही से बता दो, पीपल वांट टू नो कि क्या है रीजन कि आप घर से बाहर हो गए, बताइए। दूसरी जगह मुंह मारूंगा तो थोड़ा, मतलब आप डबल डेट कर रहे थे इसलिए आप घर से बाहर हो गए, इनको लगता था लेकिन कर नहीं रहा था। ओके, सो प्रूफ करने के लिए आपने घर छोड़ दिया। अच्छा, ये भी मस्त, ये भी अच्छा, प्रूफ करने के लिए घर छोड़ दिया, वाह।
ये कोरियोग्राफर सर बताएंगे। गाना एक्चुअली आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी फन, बहुत फन है। इसमें एक्चुअली केमिस्ट्री दिखाया गया कि अब के जनरेशन में एक लड़की अपने लड़के को, अपने मैन, यू कॉल इट मैन राइट, अपने मैन को किस हद तक प्यार कर सकती है, और एक मर्द मैन वो अपनी बंदी को कितना प्यार कर सकती है कि वो घर से बाहर हो गया। सो इट्स ऑल अबाउट दैट फन, मस्ती और मजा आने वाला है। लेकिन किसी को घर के बाहर नहीं जाना है। हाँ, घर के बाहर मत जाना, घर के बाहर किसी को नहीं जाना है, घर के बाहर मत जाना। मैं ये बता सकती हूँ मैं किस तरीके के लव में बिलीव नहीं करती हूँ। बस एक तरफा प्यार, बिकॉज इन्फैचुएशन काइंड ऑफ हर्ट्स। किस तरीके के लव, फॉर मी एज अ पर्सन आई बिलीव कि अ लॉट इन सेरेंडिपिटी, कि अगर आजकल बहुत होता है ऑनलाइन सेटअप ये वो, बट वो आई एम वेरी ओल्ड स्कूल रोमांटिक। आई थिंक मेरे अंदर एक बहुत ओल्ड सोल है, सो आई बिलीव कि अगर दो लोग कहीं मिलते हैं नेचुरली ऑर्गेनिकली, इफ दे फॉल फॉर ईच अदर, so that's a very that's a kind of love story I would like to have. So yeah, you don't want to be the part of Adil Mushkil. इसमें एक तरफा प्यार था, एक तरफा प्यार था, पर दो मिले ना। हाँ, मिले मिले ना, मिले एंड में प्यार, भले ही बेचारी एंड में गंजी हो गई। लव को पाना चाहेगा जो कि वेरी लॉयल, यू नो लॉयल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक के पीछे बड़े और सामने वाला दस जगह घर से भाग रहा है, घर से भाग रहा है, तो वैसा प्यार किसी को नहीं चाहिए। लॉयल्टी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन लव, एंड ट्रस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ ट्रस्ट नहीं है लॉयल्टी नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पर लव भी एग्जिस्ट करता है। और यस, आई वॉन्ट लॉयल्टी और रोमांस होना बहुत जरूरी है। जहाँ रोमांस नहीं है और जहाँ पर थोड़ी सी सिडक्शन नहीं है, आई थिंक वो प्यार किसी काम का नहीं है यार। फिर बंदा भू मार बाहर मुंह मारेगा, यही रीजन तो नहीं था। सुन लो, सुन लो क्या बोल रहे हैं, ये रीजन तो नहीं था। अरे सलमान भाई क्या बोलते हैं, अरे मेरे भाई, द वॉइस इज हियर, द वॉइस इज हियर, व्हाट्स अप, हाय हाय, आइए आइए आइए, अरे आइए आप इधर आइए। देखिए गाना तो आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, माशाल्लाह इतना प्यारा गाना है, बहुत मेहनत इस गाने में की है हमने। और जैसे कि सभी को पता है कि इस गाने को मैंने गाया है, और खूबसूरत मॉडल आप दोनों को दिख रहे होंगे मेरे बगल में, इन्होंने इसमें एक्ट किया है, सुरवीन ने लिखा है और म्यूजिक दिया है हमारे आमिर अली ने। तो अब बाकी ये है कि देखो हमारा काम है गाने को अच्छा बनाना, बहुत खूबसूरत बनाना, बाकी हमारी ऑडियंस से वो बताएंगे कि गाना उनको कैसा लगा है कि कैसे नहीं लगा। अंकित भाई ने हमारे जो है पहली बार एक्टिंग की है, पहली बार इनका पहला सॉन्ग इनका दूसरा सॉन्ग है, लेकिन दूसरा मेरे साथ में है, पहला मुझे पता नहीं किसके साथ में। शूट ये पहली बार, सो आपका एक नया शो आ रहा है जिसमें आप नए लोगों को मौका भी देंगे जी, वो शो के बारे में आप बताना चाहेंगे? मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा एक शो आ रहा है बहुत जल्दी, सुपरस्टार सिंगर सीजन 3, और उसके तीन सीजन है, तीनों सीजन मैंने किए हैं, मतलब दोनों दो सीजन मैंने किए हैं, तीसरा भी मैं ही कर रहा हूँ आप सभी के प्यार से। सो उसके लिए हम बहुत ही कमाल के टैलेंट ढूंढ रहे हैं, अगर हमारे मीडिया के जरिए से हमें मिल जाएगा तो बहुत खुशी की बात होगी हमारे लिए। और बाकी तो हम देश के कोने कोने जाएंगे ढूंढने के लिए, तो बाकी ये है कि ऑडियंस का प्यार है और वो लोग चाहते हैं कि हम उनके लिए गाते रहें, हम उनको दिखते रहें। और बाकी ये बताओ सब लोगों ने गाना सुना है कि नहीं सुना, मुझे एक बात बताओ, सुना ना? दो लाइन अगर लाइव हो जाए तो वाओ, चलो चलो लेट्स गो। आप लोग सब ने गाना सुना है राइट, आप लोग क्यों नहीं हो हमें पूरा बता देते हो? हाँ सही बात है, नहीं गाना मत गाओ आप, गाने के ट्रेंड आ जाता है। देखिए हम अपने गाने की जो हुक लाइन है, जो मेन लाइन है, वो ये है
तेरे लई मैंने छड़िया घर बार वे, तेरे लई मैंने छड़िया घर बार वे, तेरे लई मैंने छड़िया घर बार वे। क्या बोले सर? सर मैं बताना चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं लेट आया हूँ। मैं एक्चुअली लेट इसलिए आया हूँ कि मैं एक शूट में था सुपरस्टार सिंगर के ही शूट में था। बाकी हमारे जो आधे मीडिया वाले लोग हैं उनको पता है कि मैं कहाँ था, आपको पता है जैसे कि मैं शूट में था। ऐसा नहीं भाई, गलत मत समझना, शूट में था मैं। नहीं भाई नहीं, मैं किसी का घर बार नहीं छुड़वाना चाहता। गाने का नाम भले ही घर बार है लेकिन किसी का छोड़ना नहीं है, किसी का घर नहीं उजड़वाना चाहता। घर बार तो बस एक लव स्टोरी की फीलिंग्स है यार। बाकी ये है कि गाना बहुत मेहनत से हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर किया है, उसको बहुत मेहनत करी तब जाकर एक खूबसूरत गाना बना है। बाकी आप लोग प्लीज़ इस गाने को प्यार दें, ढेर सारा आशीर्वाद दें ताकि ये गाना और आगे तक जा सके। हम कब रील बना रहे हैं इनके गाने? बाकी ऐसे बट आई वांट टू नो कि यू वांट रोमांटिक रील्स ऑन इट और सेडक्टिव? अभी सलमान भाई डिसाइड करके बताएंगे सारा कुछ। मैं बोलूं? अरे तुम भी बोलो ना। हम तो बोल चुके हैं, आप कितना लेते हैं ना। रोमांस और सेडक्टिव रोमांस तो आप लोगों ने देखा होगा, खतरनाक वाला और डांस भी ऐसा नहीं, दोनों चीजें, दोनों चीज हाँ दोनों चीज। डांस तो बा कमाल है। पर इमरान हाशमी सर को डांस नहीं आता था, मुझे क्या बात है भाई। आप Yes, why not? And he's so talented and with a very great voice. I really want कि आप कुछ romance भरा एक गीत गाओ और मैं उसमें perform करूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, thank you so much। और but मुझे घर से बाहर मत निकलवाना। I want कि वो कुछ romantic song मेरे लिए गाए और मैं उसमें perform करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। या फिर मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारा गाना है उस पर रील बनाएंगे तो उसमें हमारा भी फायदा होगा। अरे क्या बात है। क्योंकि ये जो भी गाने पे वीडियो बनाते हैं, जो भी कंटेंट बनाते हैं, माशाल्लाह वो बहुत बहुत फेमस हो जाता है, बहुत लोगों तक पहुंचता है। तो मैं चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ हमारे गाने पे वीडियो बनाएं। डेफिनेटली मैं अपने घर के बाहर जाके ये वाली रील बनाऊंगा ताकि वो फिर मुझे बोलना कि तेरे लिए मैंने छोड़ा मेरे घर बाहर में। अरे भाई साहब, अच्छा क्वेश्चन पूछा आप लोग, क्या क्वेश्चन तो पूछो। इतना आप प्लीज इनसे पूछिए, इन्होंने कितना कितनी अच्छी एक्टिंग करी, क्या कमाल का डांस किया। नो डाउट दे परफॉर्मड सो वेल इन द सॉन्ग, और मैंने आज ही सॉन्ग देखा बाय द वे, एंड ब्यूटीफुल कोरियोग्राफी। बेशक बेशक बेशक, क्या बात है, माशाल्लाह। और आई एम ग्लैड यू हैव डन एन अमेजिंग जॉब। डांस गाने आप गा रहे हो कब? मतलब मैं बहुत जल्दी गा रहा हूँ आपके, आपका डांस और आपकी एक्टिंग देख लिया, आप अगले गाने में, मेरे अगले गाने में आप मेरे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्दी सबके सामने बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप मेरे इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मैम को बुला लेंगे सलमान भाई, मैम आ रही है, भाभी आ रही है, एक मिनट के लिए। सर एक मिनट भाई आ रही है, एक फीमेल सिंगर, फीमेल सिंगर है सर, एक मिनट। सलमान भाई सलमान भाई सलमान भाई, विजुअल वीडियो वीडियो होता है। थैंक यू सो मच आप लोग। बिल्कुल यार, मैं पूरी टीम को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और गाना हिट तो तभी हो जाता है जब सलमान गाना गाता है,
बड़े कमाल का सिंगर है, उनकी जो आवाज़ है बड़ी खूबसूरत है, और सर्दियों का मौसम है और रोमांटिक गाना है, तो क्या ही कहना। मेरी शुभकामनाएं है कि गाना सुपर डुपर हिट हो और पूरी टीम जो है लगातार इसी तरह गाने बनाते रहें, इसी तरह हम लोग को इंटरटेन करते रहें और यूं ही कमाल के जो है वीडियो गाने बनाते रहें। हाँ, अरे वाह दादा, एक एक दो लाइन और, क्या नाम, इसका नाम क्या है? अंकित। हाँ, ये जो अंकित हैं, ऑन हो गया दादा? रोल, हाँ, ये जो अंकित है जिनका बड़ा ही खूबसूरत ये गाना है, कल हम लोग एक और गाना भी शूट कर रहे हैं, तो अंकित मेरे साथ शूट कर रहा है, बहुत ही प्यारा लड़का है। हमारा जो गाना है वो भी एकदम सैड रोमांटिक वाला गाना है, जब आप देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा कि एक म्यूजिकल फिल्म जो होती है जिसमें पूरा ड्रामा आता है, उस तरह का फॉर्मेट है, किसका दिल टूटता है, किसका जुड़ता है, कौन प्यार हासिल करता है, कौन नहीं करता है, तो जब ये गाना आएगा तो आप देखेंगे। और जैसा कि मेरा पिछला गाना आया था गिले शिकवे, जिसको 3 से 4 दिन में आप लोगों ने 2 मिलियन क्रॉस करवाया था, बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स मिला था, तो मुझे उम्मीद है कि हम जो अभी गाना शूट करने जा रहे हैं वो भी आप लोग ऐसे ट्रेंडिंग में लेके आएंगे, और आप लोग हमेशा मुझे प्यार देते हैं, तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप सबका प्यार बनाए रहे, थैंक यू सो मच।